बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स अब्बास जाफरी फ्रॉम असास नेशनल स्कूल एंड टुडे वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 of 10th chemistry textbook. Chapter number 14 is atmosphere and chapter number 15 is water. तो जहां तक chapter number 14 का ताल्लुक है, ये सिर्फ atmosphere यानी जो फिजा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसके बारे में ये chapter है. तो it's quite simple and easy chapter for you. तो इसको जब आप जल्दी से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इतना difficult भी नहीं है understand करना. It is not so difficult to understand. और उसके बाद next chapter है water का. तो water की composition, water के impacts, pollution, water pollution, ये और diseases water की, ये इस पर depend करेगा. तो ये जो है वो understandability conceptual के हवाले से थोड़ा सा rational chapter है, easy chapter है. तो आज हम start करते हैं environmental chemistry. वन का मतलब है, पहला चैप्टर है एटमॉस्फेयर के बारे में. और ये चूंकि ये किताब ऑनलाइन ऑनलाइन एडिशन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ना चीजें डिफरेंट लिखी हुई हैं. अच्छा, उसके बाद है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि जो लफ्ज एटमॉस्फेयर है उसके का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है एटमॉस्फेयर की. उसके बाद एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन, ठीक है ना, यानी कि एटमॉस्फेयर किन अज्जा से मिलकर बनी है, उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं और एटमॉस्फेयर की लेंथ कितनी है, कहाँ से कहाँ तक गैसों का गिलाफ जो है, एनवेलप ऑफ गैसेस जो है वो फैला हुआ है, ठीक है ना. तो ये जो है वो क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा से रिमेम्बर करवा दूँ कि हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं और वो है एटमॉस्फेयर. द चैप्टर नंबर 14 इज एटमॉस्फेयर. और फवाद और फखर इलाही, अगर आपने टेस्ट सबमिट नहीं करवाया तो काइंडली टेस्ट सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है जी. मैंने एक्सरसाइज भी सेंड की थी. डिफ्रेंशिएट बिटवीन, अब इसके जो आगे टाइप्स हैं एटमॉस्फेयर की जो है आगे, वो उसके कंपोनेंट्स जो है, उसमें स्ट्रेटोस्फियर एक कंपोनेंट होता है, ट्रोपोस्फियर, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है. फिर स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर उसकी एक लेयर है. तो कंपाउंड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, इसके बारे में बात करता है. डिस्क्राइब मेजर एयर प्लूटेंट्स, जो हवा को नुकसान पहुंचाते हैं प्लूटेंट्स, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना. तो मेजर एयर प्लूटेंट्स के बारे में. उसके बाद डिस्क्राइब सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी जो हवा को आलूदा करने वाले सोर्सेज हैं और एयर को जो पोल्यूट करने वाले सोर्सेज हैं, ठीक है. उसके अलावा ओजोन फॉर्मेशन की, ये ओजोन का जो हम लफ्ज सुनते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ओजोन ये हो गया, ओजोन को मुतासर हो रही है, ओजोन की जो है ना वो डिप्लीशन हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है. तो इसको बताना, मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो हमने नए बच्चों ने ज्वाइन किया है, न्यू स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन दैट वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 14. और ये दो चैप्टर हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बिहाफ पे. पहला है एटमॉस्फेयर और दूसरा है वाटर. 15वां वाटर है, 14वां एटमॉस्फेयर है. इनको पढ़ने का मकसद ये है कि एक साइकोलॉजिकल जहन पे आया जाए कि ये हमारे चार चैप्टर हो गए हैं, दो पहले पढ़े और दो अब हो जाएंगे. तो इंशाल्लाह इस वीक में या नेक्स्ट वीक तक ये दोनों चैप्टर हम पढ़ लेंगे. वीक वीक ही लगा लेते हैं इनके ऊपर, तो उससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि 50% हमने पढ़ लिया हुआ है. और थोड़ा सा ये भी होगा कि केमिस्ट्री इतनी भी 10th की मुश्किल नहीं है जितनी के हम समझ रहे हैं. तो इसलिए ये चैप्टर एक आपको ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगे और आप जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे याद करते हुए. लेकिन जो है वो ये एक शर्त होती है कि मेहनत जो है वो एक शर्त है, वो लाजमी है, ठीक है ना. चाहे ये चैप्टर भी होगा, अगर ये आसान भी है, लेकिन फिर भी आप जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ये नहीं हो सकते. तो इसके बाद जो है, हाँ जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली बता दे.
अच्छा जी, ठीक है जी। तो ये हम आपको समझ में आ गई कि आपने कैसे जो है ना वो क्या कहते हैं करना है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है ना, एसिड रेन के और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपने बताने हैं। एसिड रेन बेसिकली ये होता है कि जब हवा के अंदर, फिजा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर धुआं, पोल्यूशन और तमाम ये गर्दो गुबार के जरात इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो वहां पे मिलकर आपस में रिएक्शन करके, मुख्तलिफ गैसेस आपस में रिएक्शन करके एसिड्स बना लेती हैं। वो एसिड्स हवा में मौजूद होते हैं और वो वहाँ काफी अरसे तक रहते हैं। जब बारिश होती है तो वो एसिड्स जो हैं वो बारिश के साथ जमीन के ऊपर आग गिरते हैं, जिससे अगर वो इमारतों पे गिरेंगे तो इमारतों की खूबसूरती खराब हो जाएगी, अगर फसलों पे गिरेंगे तो फसलों के अंदर एसिडिटी की मकदार बढ़ने से उनकी पैदावार कम होगी, दरख्तों पे गिरेंगे तो उनके पत्तों को डैमेज होगा। ठीक है ना, तो एसिड रेन बेसिकली एक ऐसी तेजाबी बारिश होती है जिसमें हवा में मौजूद केमिकल्स एसिड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ओजोन लेयर को तबाह कैसे हो रही है। हम इंसानी सरगर्मियां, ह्यूमन एक्टिविटीज ओजोन लेयर को तबाह कर रही हैं। ठीक है, और आगे है डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग के आलमगीर गर्मी, यानी आलमी सतह पर जो गर्मी बढ़ रही है, हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। देखें, अगर कोई चीज टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो पहाड़ों पर जो बर्फ है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलेगी, ठीक है ना, या कम पिघलेगी, ज्यादा बर्फ गिरेगी पिघलेगी कम, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, तो फिर पहाड़ों पर बर्फ ज्यादा पिघलेगी, उससे क्या होगा कि सैलाब आने का खतरा होगा, बड़े बड़े तूफान आने का खतरा होगा। तो मौसम की जो शिद्दत है वो ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ गई है। ठीक है ना, इन ग्लोबल वार्मिंग जो ज्यादा शिद्दत है मौसम की, ठीक है, मौसम की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ चुकी हुई है, तो वो उस पे ऊपर हम बहस करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन है जी। इंट्रोडक्शन आपकी किताब में जो नेचुरल बुक है उसमें पहला जो अंडरस्टैंडिंग वाला पेज है उसके नीचे लिखा हुआ है, वो कहता है आवर प्लैनेट अर्थ हैज फोर नेचुरल सिस्टम्स। तो हमारा जो जमीन है, हमारी जमीन है, उसके चार नेचुरल सिस्टम है, फोर नेचुरल सिस्टम है। तो ये सवाल आ जाता है कि हाउ मैनी सिस्टम्स आवर अर्थ हैज, हाउ मैनी नेचुरल सिस्टम्स आवर अर्थ हैज, हमारी जमीन के पास कितने कुदरती सिस्टम्स मौजूद हैं, कितने चार कुदरती सिस्टम्स हमारी जमीन पे मौजूद हैं। तो वो पहला है लिथोस्फियर, ठीक है ना, लिथोस्फियर। दूसरे नंबर पे आ गया हाइड्रोस्फियर, ठीक है, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर एंड बायोस्फीयर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन लिख लें, ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं। आवर प्लैनेट अर्थ हाँ जी, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उस पर कितने सिस्टम्स हैं, हाउ मैनी सिस्टम। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये इसका आंसर है। आवर प्लैनेट अर्थ हैज फोर नेचुरल सिस्टम्स, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर एंड बायोस्फियर। अब वो कहता है कि जो द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सिस्टम्स इज नेसेसरी टू लिव ऑन द अर्थ, जमीन पर रहने के लिए हमें इनकी तमाम सिस्टम्स की जो नॉलेज है उसका पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ओनली ऑन अ नेचुरल सिस्टम दैट इज एटमोसफियर। तो हम सिर्फ जो है वो जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, वो हम सिर्फ एटमोसफियर के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना, हम सिर्फ एटमोसफियर के। अब ये बाकी क्या है ये जरा मैं आपको बता देता हूँ। लिथो का मतलब होता है अर्थ, जमीन, ठीक है ना। मसलन ये है कि जमीन का जो सिस्टम है, मसलन इसका मिसाल ये है कि जिस जमीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, या हम बैठे हुए हैं, ये कौन सी जमीन है, बेसिकली ये मैदानी इलाका है, ठीक है ना, ये प्लेन प्लेन वाला एरिया है, मैदानी इलाका। इस तरह जो जमीन जो है वो जियोग्राफी जमीन की ये है कि वो जब आप जाते हैं पहाड़ों पे
तो वो माउंटेनिंग माउंटेन वाला एरिया आ जाता है, फिर डेजर्ट एरिया आ जाता है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें जो है लिथोस्फियर में आती हैं, यानी कि जमीन की साख जो है वो जमीन की जो क्या कहते हैं कंपोजिशन है उसको हम पढ़ते हैं लिथोस्फियर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोस्फियर। तो हाइड्रोस्फियर जो है वो हम पढ़ते हैं वाटर के मुताबिक, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। इस कायनात में इस बेसिकली स्फीयर का मतलब होता है कि एक शेप है स्फीयर, गोल शेप को कहते हैं, जिस तरह बॉल होती है बॉल लाइक शेप, तो गोला भी हम इसे अगर उर्दू में कहें तो एक जो है वो जमीन का गोला हो गया, एक हो गया पानी का गोला, एक हवा का गोला और एक जिंदगी का गोला। यानी इस प्लेनेट के ऊपर जिंदगी कहाँ कहाँ बिखरी हुई है गोल फॉर्म में, ठीक है ना। मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स हैं, मुख्तलिफ बर आजम है वहां पर जमीन जिंदगी का वजूद है, जानवरों की स्पीशीज हैं, पौधों की स्पीशीज हैं, ठीक है, आबी हयात हैं, नेचुरल लाइफ है। तो वो तमाम जानवर, तमाम जानदार, परिंद चरिंद, वो इस कायनात इस जमीन पे जहां जहां फैले हुए हैं वो बायोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर जमीन के मुतालिक हो गया, हाइड्रोस्फीयर पानी के मुतालिक, एटमोस्फीयर हवा के, और बायोस्फीयर जो है वो जिंदगी के मुतालिक हो गया, ठीक है जी। तो नॉलेज इन तमाम सिस्टम्स का नॉलेज बहुत जरूरी है हमें सर्वाइवल के लिए। तो अब इसमें हम इस चैप्टर में हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, एटमोस्फेयर की। तो हम एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की स्टडी हमें क्या करती है, द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स अस नॉलेज अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ गैसेस, कि गैसों की क्या अफादियत है। मिसाल के तौर पे हम जो है हम क्या करते हैं इंसान, हमारे पास जो है ना वो लाइफ गैस कौन सी है, हम कहते हैं ये लाइफ गैसेस कौन सी हैं, जो वो गैसें कौन सी हैं जिससे जिंदगी बका जरूरी है, जो अगर वो ना होती कायनात में तो जिंदगी पैदा ना होती, ठीक है ना। तो हम उसमें पहली कहते हैं जी जो लाइफ गैस है वो है ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज अ लाइफ गैस फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, टू रेस्पायर, यानी कि उन्होंने जो सांस लेना होता है उसमें लाइफ गैस जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात की, ये वो क्या है ऑक्सीजन, ठीक है जी, इट्स अ लाइफ गैस फॉर ऑक्सीजन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसेंसिस जो है वो जब होती है, ठीक है ना, तो फोटोसेंसिस में भी हमें कौन सी गैस की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, अलोंग विद वाटर, अलोंग विद सनलाइट एंड वाटर, ठीक है जी। तो हम ये फोर रीजन्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर के जो हैं आगे फोर रीजन्स हैं। तो एटमॉस्फेयर हैज डिवाइडेड इनटू फोर रीजन्स, चार उसकी लेयर्स या रीजन में डिवाइड किया गया है। ईच रीजन हैज इट्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हर रीजन की अपनी खसूसियात है, ठीक है ना। अच्छा, बट ह्यूमन एक्टिविटीज एंड डिस्टर्बिंग, ठीक है ना, नेचुरल डिस्टर्बिंग द नेचुरल सिस्टम, ठीक है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, और जो ये देखें ना ह्यूमन एक्टिविटीज, बस ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिस्टर्बिंग द नेचुरल सिस्टम, ठीक है ना। नेचुरल सिस्टम को वो क्या कर रही हैं, तबाह कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटी डिस्टर्बिंग द नेचुरल सिस्टम। अच्छा जी, तो वो कहते हैं कि ये जो इंसानी सरगर्मियां हैं ये पूरे सिस्टम को, कुदरती सिस्टम को तबाह कर रही हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज आवर एटमोसफेयर इज ग्रेजुअली चेंजिंग, इन इंसानी सरगर्मियां, इंसान की जो हरकतें हैं उससे आवर एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली चेंजिंग, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर तब्दीलियां वाकया हो रही हैं। दीज इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। अ लॉट ऑफ एफर्ट आर बीइंग मेड वर्ल्ड वाइड टू कंट्रोल द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो हमारी जिंदगी का वजूद है जमीन पर वो हमारा खतरे में पड़ चुका हुआ है, क्योंकि हम अपने माहौल को खराब कर रहे हैं,
देखें, पानी को आलूदा कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर को बर्बाद कर रहे हैं, लिथोस्फीयर जमीन के ऊपर, आपको पता है प्लास्टिक की मकदार खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हुई है। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि 1,000 साल भी पड़ा रहे तो वो डिग्रेड नहीं होता, वो डिकम्पोज नहीं होता, वो अपनी हालत को नहीं बदलता। इससे ये है कि ये जो प्लास्टिक के जरात हैं, जब बीच पे हम पिकनिक मनाने जाते हैं तो ये प्लास्टिक के जरात, चॉकलेट के रैपर, ठीक है, उसके अलावा बच्चों के पैम्पर, ये तमाम चीजें जाके बाद में समुद्री हयात में ये मछलियों के और मछलियों के केकड़ों के, ठीक है, और तमाम उनके गले में फंस जाती हैं, कछुओं के, टर्टल्स के, तो वो उनकी समुद्री हयात जो है वो सब कहते हैं ये बहुत हद तक जो है उनके अंदर प्लास्टिक के जरात जो हैं वो उनके गलों में फंस जाते हैं। उनके अंदर बेसिकली होते हैं, हमारे यहाँ फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनके गिल्स होते हैं, गिलफड़े होते हैं, वो गिल्स के अंदर वो एक समझ लेंगे एक ना फोम की तरह की स्पंज होती है जो उसके उनके गले में होती है, वहां से वो सांस लेती हैं पानी के अंदर, तो उस स्पंज के अंदर वो फंस जाता है। यानी एक अगर वो फोम या स्पंज के अंदर वो फंस जाता है प्लास्टिक, तो वो फिर फौरन या उनके मुंह पर चिमड़ जाए, कोई रैपर हो गया, किसी चीज का शॉपर हो गया, तो वो हमारी तरह तो नहीं है कि वो हाथों से हटा सकें उसको, इसलिए वो उनको खराब हो जाती है। तो इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगी जो है उसको दाव पे लगा रहा है और माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रही है। अच्छा, तो पहले है कि एटमोसफेयर की कंपोजिशन क्या है। तो ये जब आप अपना बुक देखेंगे तो उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले कि एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हम पहले यहाँ लिखते हैं जी कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज एन एनवेलप, गैसों का एक गिलाफ है, ये गैसों का एक कवर है। एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड अर्थ, जिन्होंने जमीन को घेरा हुआ है। इट एक्सटेंड्स, ये बड़ा हुआ है कंटिन्यूअसली मुसलसल फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जमीन जहां जहां पैर है ना हमारे जमीन के ऊपर, यहां से ही समझ लें कि एटमोसफेयर स्टार्ट हो जाती है। आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, विदाउट एनी बाउंड्री, जिसकी बाउंड्री जो है वो इतना, उसका बाउंड्री का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपने सिंपल सवाल आता है व्हाट इज एटमॉस्फेयर शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में, टेस्टों के अंदर, तो ये इसका आंसर है कि एटमॉस्फेयर एक गैसों का गिलाफ है जमीन के गिर्द जो कि बगैर किसी हाथ के फैला हुआ है। 99% जो एटमॉस्फेयर का मटेरियल है वो पहले 30 किलोमीटर्स के अंदर, और 75 लाइज इन द 11 किलोमीटर्स परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, वो कहता है। अब ये ना, ये दो जो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, ये हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो क्या कह रहा है, ठीक है, वो कहता है कि 99% जो है, ठीक है, लाइज इन 30 किलोमीटर्स, ठीक है ना, एंड 99% ऑफ व्हाट, एटमॉस्फेयर 30 किलोमीटर्स, ठीक है ना, विद इन 30 किलोमीटर्स, लाइज विद इन 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर में फैला हुआ, और बकाया जितना है 75%, ठीक है, लाइज विद इन 11 किलोमीटर्स। अब ये जो दो पॉइंट है ना, ये इंतहाई अहम सवाल हैं और ये बहुत दफा एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप ये, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, ठीक है ना, प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि क्या मतलब है इस चीज का, थोड़ा सा और ऊपर करके ना। फर्स्ट करेंगे, ये एक सर्कल है, ठीक है ना, ये टोटल जितना भी सर्कल है 75% है। अब इसके अंदर टोटल कितना है, ये हमारे पास है 30 किलोमीटर का सर्कल, ठीक है ना, तो इसके अंदर कितना है, 75%। आप उसके बाद जो 11 किलोमीटर है, ठीक है ना, अगर हम एक छोटा सर्कल बना देते हैं,
इसी के अंदर ये, तो ये जो 11वां वाला है इसमें 30 वाला भी शामिल है, तो 11 किलोमीटर में, तो ये 90% था, हमने 75% कर दिए, ठीक है ना। ये जो है वो क्या है, 11 वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 है, तो अगर यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 99%, और अगर यहाँ से करेंगे तो ये आएगा 75%, ठीक है। खैर वो ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था कॉन्सेप्ट, इंतहाई अहम पॉइंट है ये, एमसीक्यूज पे बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। अगर आप एमसीक्यूज के हवाले से करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अच्छा उसके बाद ना एक सवाल आता है कि ना, ये नोट्स में भी अगर मैं आप आगे 14वें 15वें के नोट्स भी आपको कल शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये आता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, 9th में भी पढ़ी हुई है, ठीक है, वही कंपोजिशन है, थोड़ा सा परसेंटेजेस का फर्क है, जरा इस पे बात करते हैं। नाइट्रोजन की वहां पे ना हमने 9th में पढ़ी थी कि वो है 79%, ठीक है ना, 79% पढ़ी थी हमने, ठीक है, यानी नाइट्रोजन जो हमने पढ़ी थी 9th में वो थी 79%, ठीक है, 79% थी। तो यहाँ थोड़ा सा 78.09% जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। तो ये 79% जो हवा की कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ एयर 79% नाइट्रोजन की, तो वो जो पहले चैप्टर पेज नंबर 5 क्लास 9th में कंपोजिशन लिखी हुई थी उससे थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये 20 लिखी हुई है, ये 21% थी, आर्गन की थी ये, बाकी सेम है, ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस किया है उन्होंने थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपने देखना नहीं है, आप इसमें 79% भी लिख सकते हैं और 21% भी लिख सकते हैं, 79 नहीं सॉरी 78%, 79 78% सॉरी, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं तो आप पहले वाले की आप लिख सकते हैं 78%, और दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं 21%, ठीक है ना। तो ये जो परसेंटेज हैं ये आप इसकी चेंज कर सकते हैं। सेवेंटी एट परसेंट और 21%, ठीक है जी। और इन दोनों में आप वही हैं, सेम सेम। तो ये एक सवाल आता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, खुश्क हवा की कंपोजिशन जो है वो हमें बताएं क्या है, ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर हमें डिस्कस करें, ठीक है जी। तो ये 78% होता है और 21% हो गया, ओके। अच्छा उसके बाद आगे नेक्स्ट कहता है कि ये हम इसमें बात करेंगे बाद में कि ये क्या है, डू यू नो के बारे में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट डू यू नो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डू यू नो, तो इसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे बाद में। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह टाइमली लेक्चर ख़त्म कर दूं ताकि आप अगली क्लास में जा सकें, और अगर किसी शख्स बच्चे को कोई किसी किस्म का इशू आ रहा हुआ है, कोई उसको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही, वो काइंडली बता सकते हैं। अच्छा उसके बाद है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वो कहता है कि एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 4 स्फीयर्स, 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है एटमॉस्फेयर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ अपवर्ड्स, जमीन के ऊपर जितना भी है वो वहां से शुरू हो जाती है, और हम जिस वक्त इस लेयर में खड़े हैं, जिस वक्त हम जिस लेयर में खड़े हैं, वो पहली लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना। द फर्स्ट लेयर जिसके अंदर इंसानी जिंदगी जो है वो चल फिर रही है, ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, इंसानी सरगर्मी हो रही है ज्यादातर, वो है ट्रोपोस्फियर।
और ज्यादातर जो मैं आपको बात बता दूं कि जो इंसानी सरगर्मियां हैं, हवाई जहाजों का उड़ना है, परिंदों का मूव करना है, मौसमों का आना जाना है, बादलों का बारिश बरसाना है, उसके अलावा त्यारों का, हवाई जहाजों का, जेट प्लेन्स का उड़ना है, वो सारा ट्रोपोस्फियर में ही होता है। इसकी अहमियत ये है कि जिंदगी का तमाम निज़ाम जो है वो ट्रोपोस्फियर में चल रहा है, ठीक है ना। ये ट्रोपोस्फियर की अफादियत है कि ट्रोपोस्फियर के अंदर हर एक्टिविटी ट्रोपोस्फियर में हो रही है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो है 12 किलोमीटर, ठीक है ना, 0 से लेकर 12 किलोमीटर्स तक ट्रोपोस्फियर है। मैं जब बोल रहा होता हूँ, साथ साथ मेरे आप हल्का सा अपने दिल में दोहरा लिया करें कि ट्रोपोस्फियर की रेंज है फ्रॉम 0 to 12 सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो निशान लगा हुआ है, ये 12 किलोमीटर है, सॉरी 0 to 12 किलोमीटर। और ये जो व्हाइट लाइन देख रहे हैं, मैं जरा इसको जूम इन करके बता दिखाता हूँ आप, ये देखें, ये व्हाइट कलर का आपको एरोप्लेन नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये बता रहा है कि जो तैयारे हैं या एयरक्राफ्ट हैं वो भी इसी लेयर में प्रवास करते हैं, ठीक है जी। ये जरा गौर से देख लें, ये एक एयरक्राफ्ट आपको नजर आ रहा होगा इस पॉइंट के ऊपर। अगर थोड़ा सा कनेक्शन क्लियर है नेट का, तो ये एयरक्राफ्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, पहाड़ों की जो चोटियां हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा जिंदगी की तमाम एक्टिविटी जो है वो ट्रोपोस्फियर में होती है। तो इसका मतलब हो गया, ट्रोपोस्फियर की जो इम्पोर्टेंस है, ट्रोपोस्फियर की जो अहमियत है, वो तो आपको पता लग गई। तो आप कहेंगे सर टोटल लेयर्स कितनी है, तो टोटल लेयर्स कितनी है जी, 4 लेयर्स हैं टोटल। पहली कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। दूसरी स्ट्रेटो, लफ्ज है स्ट्रेटो, तो दूसरी लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फियर जो है, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट है मेसोस्फियर, ठीक है ना। ये जो स्पेलिंग है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, इस तरह ही बोलना है आपने, थर्मोस्फियर, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 लेयर्स, ठीक है ना। कौन कौन सी लेयर्स हैं आपने मुझे साथ साथ बताना है। फर्स्ट लेयर कौन सी है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन है, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। ये नाम भी आते हैं पेपर में, सवाल आ जाता है कि नेम द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, और फोर नंबर पे है थर्मोस्फियर, ठीक है ना। ये 4 लेयर्स हो गई थर्मोस्फियर, 4 लेयर्स के नाम है, ठीक है, ये लाजमी आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज है वो तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, ठीक है। अब होता ये है कि जब ये यहाँ पे जो इसकी डायग्राम बनी हुई है, इसको भी हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि पहली लेयर जो है, इस वक्त हम किस लेयर में खड़े हैं, इस वक्त हम हैं ट्रोपोस्फियर में, वी आर इन ट्रोपोस्फियर नाउ, क्योंकि जमीन के हमारे पैरों से ये इसका वक्त स्टार्ट हो जाता है, और जिस फिजा में हम सांस ले रहे हैं उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर की तो अहमियत का आपको पता लग गया कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें सब चीज जो दुनिया की एक्टिविटी है वो होती है। कोई परिंदा ट्रोपोस्फियर से उड़ के स्ट्रेटोस्फियर में नहीं जा सकता, क्योंकि वो 12 किलोमीटर तक प्रवास ही नहीं कर सकता। मैक्सिमम वो कर सकता है 4-5 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। तैयारे भी इस तरह ही 4-5 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। 12 किलोमीटर को टच करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आती है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, जो सेकंड है वो स्ट्रेटोस्फियर। इसकी क्या अफादियत है, चलें वो ट्रोपोस्फियर की तो अफादियत हमें समझ में आ गई कि उसमें हर चीज एक्टिविटी होती है, मौसम आते हैं, सब कुछ होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, ये तो ट्रोपोस्फियर में आ गया। इसमें स्ट्रेटोस्फियर में क्या फर्क है, स्ट्रेटोस्फियर में ये है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर का सिलसिला होता है। ओजोन क्या है, ओजोन कैसे काम करती है, ओजोन लेयर जो है वो उसके टूटने के क्या टू कैसे टूटती है, बनती कैसे है, क्या हिसाब किताब होता है, ये सारा स्ट्रेटोस्फीयर में डिस्कस करते हैं हम।
यानी इसकी अफादियत होगी, स्ट्रेटोस्फीयर की अफादियत क्या होगी कि इसमें ओजोन लेयर है। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है फखर इलाही, बताएं जी कि जो लेयर हैं दोनों, ट्रोपोस्फियर की क्या फायदा है और ओजोन स्ट्रेटोस्फियर का क्या फायदा है, या कोई भी माइक ऑन करके बता दे जी, एनीवन। हाँ जी फवाद आसिफ, सर हाँ मैं सर कह रहा ट्रोपोस्फियर में, सर जी, ट्रोपोस्फियर में मैम सारी चीजें होती है मैम, सारे तमाम कायनात के सारे लिविंग थिंग्स है सर, हर लिविंग चीज थिंग्स तमाम आती चीजें हैं, सारी एक्टिविटी होती ट्रोपोस्फियर। है, मौसम आते हाँ सर, हैं, तैयारे उड़ रहे होते हैं, तो ये इसलिए तो जरूरी है ट्रोपोस्फीयर को पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर में और क्या होता है, स्ट्रेटस ओजोन लेयर होती है सर। ओजोन लेयर की जो भी एक्टिविटी है कि वो हम उसे देखेंगे कि ओजोन लेयर कहाँ तक होती है, बनती कहाँ तक है, क्या हिसाब किताब होता है, ये सारा जो है हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर अच्छा एक चीज आप गौर से देखें फवाज के, ये जो दरमियान में जो है ना, ये इतना हिस्सा जो है ना, ये वाला इसका शेड और दिया हुआ है किताब वालों ने, इधर आज देखें, एक यहां से लेके ना इधर से लेके स्ट्रेटोस्फीयर में इतना हिस्सा जो है ना, इसका शेड ही और दिया हुआ है, नजर आ रहा है गौर से देखें, सर, कलर का शेड ही और है। तो ये जो है ना ओजोन लेयर तकरीबन हवा में, अगर आप थोड़ा सा ये जो मैं इसको भी नीचे निशान लगा दी यहां से करूं, तो अगर हम कहें ना कि ये 20 से 30 के दरमियान, 20 किलोमीटर का जो ग्राफ बना हुआ है, 20 से 30 या 25 से 30, ठीक है ना, इसके दरमियान ये ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन बनती कैसे है, टूटती कैसे है, ये कैसे इसमें से सूरज की शुआएं छान कर आती हैं, उसमें से कैसे फिल्टर होती हैं, ये सारा कुछ हम जो है ना वो पढ़ेंगे ओजोन लेयर में। दोबारा से बता दूंगा, ये चैप्टर इतना ही अहम है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये बहुत ज़्यादा इसकी वेटेज होती है, और ये आसान भी है और आपको याद भी हो जाएगा इजीली। तो जो 9-10 बच्चे ऑनलाइन हैं, ये आज ही इसका जो सबक है, टास्क है, उसको याद करें इंशाल्लाह। मैं अगले जो वीक होगा उसमें जो टेस्ट होगा, इंशाल्लाह पूरा चैप्टर ही इसके अंदर शामिल होगा, क्योंकि हम इस कोशिश करेंगे इसे इस वीक में ख़त्म करें। ठीक है, तो चंद मैं अहम टॉपिक्स हैं, और मैंने आपको बताया कि ट्रोपोस्फियर जो है उसकी अफादियत ये है कि वो तमाम उसके अंदर रीजन्स में, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो ट्रोपोस्फियर में होती है। स्ट्रेटोस्फियर का बताया कि स्ट्रेटोस्फियर जो है वो इसलिए अहम है कि उसमें हम ओजोन की चीज़ें पढ़ते हैं, ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन ब्रेकेज, ओजोन लेयर, ओजोन होल, और उसमें जो है वो किस तरह हमें ओजोन असरात से बचाती है, वो सारा हम पढ़ते हैं। सर अगली क्लास शुरू। नहीं हुई अभी सर, 1 मिनट ठहर जाओ, बस लास्ट टाइम हो गई है शुरू। अभी नहीं हुई, शुरू होने वाली है। बस ठीक है, मैं बंद करने लगा हूँ, ये वैसे भी बंद हो जाए ना 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा तीसरे नंबर पे आते हैं हम, जरा वो है मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर देखें, 50 से 83 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर है, इसमें इतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं, ना ये किताब में इसे दिया हुआ है, और आगे है थर्मोस्फीयर, ये और आगे है, ये भी नहीं दिया हुआ। तो इनका एक टेबल बना हुआ है, वो आज आपका काम है यहाँ तक कि ये टेबल आपने देखना है। ठीक है ना, वो टेबल ये बना हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, तो ये टेबल आपको नजर आ रहा है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। 0 से 12 किलोमीटर, 12 से 50, 50 से 85, 85 से 120, 0 to 12, 12 to 50, 50 to 85, एंड 85 to 120, और उसमें टेम्परेचर रेंज लिखी है, इसके बारे में कल बहस करेंगे। तो आप इसकी जो है ना कम से कम किलोमीटर्स और नाम और नेचुरल सिस्टम, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन सारा पढ़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।